हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फी चंदन कुमार सिंह। ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का 23rd पार्ट है। लास्ट पार्ट में डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 456 तक। क्वेश्चन नंबर 457, द स्पिंडल स्पीड ऑफ ए मशीन टूल आर यूजुअली डिजिग्नेटेड एज फॉलो। तो जो स्पिंडल स्पीड जो होता है मशीन टूल का, वो जनरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ये ध्यान रखना है, जनरली जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, कभी कभी वो लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन को भी फॉलो करता है। तो जनरली वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज डिराइव फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज कॉमन रेशियो। हम लोग पहले भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ए अगर फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, इस तरह से वो बढ़ते चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। में इसमें हर एक दो टर्म का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम लोग अगर 5 से डिनोट कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो मिलेगा दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। तो दिस टर्म क्या है, ए आर डिवाइडेड बाई ए, ये जो आर मिला दिस इज द कॉमन रेशियो। इस टर्म और इस टर्म को डिवाइड करेंगे हम, इन दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर हमको देगा आर। तो कॉमन रेशियो जो होता है हमेशा सेम होता है। और अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा ए इंटू ए आर, फिर ए आर सेकेंड टर्म को में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, इस तरह आर जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो जनरली जो स्पिंडल का जो स्पीड होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द इंटरमीडिएट स्पीड कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है इंटरमीडिएट स्पीड निकालने का। अगर मान लीजिए कि हमको एन आई निकालना है, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर जिस टर्म का निकालना है उस टर्म का आई माइनस वन। तो एन आई इज इक्वल टू एन मिनिमम फाइव टू द पावर आई माइनस वन। तो एन मैक्स अगर निकालना हो हमको तो पहला टर्म तो एन मिनिमम फाइव टू द पावर एन माइनस वन, इस तरह से हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको। फाई अगर निकालना हो हमको तो फाई निकालने के लिए एन माइनस वन रूट अंडर एन मैक्स बाई एन मिनिमम, वहीं से आया है। फाई भी द कॉमन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो इस एग्जाम्पल में लेट द 12 स्पीड लेआउट बी चूजन टू बी द मिनिमम स्पीड 100। मिनिमम स्पीड कितना है, 100 है। एन आई के जगह हम एन मिनिमम, एन आई निकालना है अगर, तो मिनिमम स्पीड कितना, तो मिनिमम स्पीड आपका 100 एंड द मैक्सिमम स्पीड इज 450। अगर इसमें हम पुट कर दें मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 450 दिस इक्वेशन, इसमें तो कॉमन रेशियो हमको यहाँ से निकाल देगा, निकल जाएगा। तो कॉमन रेशियो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहीं से ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, अगर 12 स्पीड लेआउट है तो एन माइनस वन और रूट अंडर एन मैक्स बाई एन मिन। एन मैक्स जो है वो आपका दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड जो दिया हुआ है 450 दिया हुआ है, और मिनिमम जो स्पीड है वो 100 है, तो इस तरह को फॉलो करेगा। दस द रिक्वायर्ड स्पीड आर, अगर रिक्वायर्ड स्पीड जो है कॉमन रेशियो जो मेरा है वो कितना मिला, 1.4 मिला। तो अगर मिनिमम स्पीड फर्स्ट स्पीड अगर ए है 100 तो सेकेंड स्पीड ए इंटू आर हो जाएगा। दिस इज द कॉमन रेशियो और दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो ए इंटू आर सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म में फिर आर से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे थर्ड टर्म फिर आर से मल्टीप्लाई कीजिए, फोर्थ टर्म, इस तरह से बढ़ते 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 450 लास्ट टर्म आपको 450 मिलेगा। इट कैन बी नोटिस दैट एट द स्पीड स्टेप इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर मोर डिस्पर्स एज हायर स्पीड एंड विच अलाउ द रेंज ऑफ वर्कपीस डायमीटर्स टू बी यूज अनलाइक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब है कि हम लोग जनरली यूज करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट इज द बेस्ट मशीन फॉर मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन के लिए बेस्ट मशीन कौन सा है? तो बेस्ट मशीन फॉर मास प्रोडक्शन के लिए जो इसमें है, मास प्रोडक्शन के लिए टरेट लेथ और कैपस्टन लेथ तो बैच प्रोडक्शन के लिए, टूल रूम लेथ भी मतलब सिंगल स्मॉल प्रोडक्शन के लिए ही है. न्यूमेरिकली कंट्रोल लेथ भी है तो भी वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी वन टाइम्स टू टाइम्स निकल करके निकलेगा, धीरे धीरे करके ये निकलेगा न्यूमेरिकली कंट्रोल लेथ से ही. मतलब कि वन प्रोडक्ट पहले बनेगा, फिर सेकेंड प्रोडक्ट, फिर थर्ड प्रोडक्ट, इस तरह से बनेगा. लेकिन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में क्या होता है, एक साथ आपका तीन चार जॉब प्रोड्यूस होता है. तो मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ जो है वो आपका मास प्रोडक्शन के लिए मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ यूजफुल है. और कैपस्टन लेथ और टरेट लेथ के बारे में अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए मास प्रोडक्शन के लिए कैपस्टन और टरेट यूज़ नहीं करते हैं, न्यूमेरिकली कंट्रोल लेथ भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्ट जो निकलता है आपका वन बाई वन करके निकलता है. एक बार ढेर सारा प्रोडक्ट जो निकलता है वो मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में निकलता है. तो इसलिए मास प्रोडक्शन अगर ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए तो मास प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सूटेबल जो है वो मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ होता है. नेक्स्ट एक कॉमन रेशियो जो होता है वो कॉमन रेशियो कितना होता है? तो कॉमन रेशियो जो हमको मिला अभी अभी वो मिला 1.4. तो 1 से लेकर के 2 तक कॉमन रेशियो जनरली लाई करता है. कॉमन रेशियो 1 से लेकर के 2 तक जनरली लाई करता है, ये ध्यान में रखिएगा. और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो स्पिंडल स्पीड इन ए कटिंग टूल इज दिस 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 एंड दिस. चार स्पीड दिया हुआ है, फोर स्पीड दिया हुआ है, द नेक्स्ट स्पीड आपसे पूछ रहा है. तो नेक्स्ट स्पीड आप निकाल सकते हो, नेक्स्ट स्पीड आप निकाल सकते हो. यहाँ पर आप कॉमन रेशियो तो पता चल जाएगा ना, कॉमन रेशियो इज दिस अपॉन दिस या फिर दिस अपॉन दिस. कॉमन रेशियो जो मिला यहाँ पर वो 5 कॉमन रेशियो मिला 229/160. और हमको यहाँ से कॉमन रेशियो जो पता है तो नेक्स्ट स्पीड निकालना है. तो अभी अभी हम देख चुके थे एन आई टर्म निकालने के लिए. फर्स्ट टर्म आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म कितना है 160 इनटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो टू दी पावर कितना, कॉमन रेशियो टू दी पावर एन माइनस वन. कौन सा कितना टर्म है, चार है, पांचवा टर्म आपको चाहिए. तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. तो 5 का वैल्यू कितना, तो 5 का वैल्यू दिस मच यहाँ पुट कीजिए तो एन आई आपका निकल जाएगा. अभी अभी हमको दिखा था कि जो कॉमन रेशियो 1.4 है एंड कॉमन रेशियो जनरली इम्प्लॉयड इज 1.26, 1.41, 1.58. मतलब 1 से 2 के बीच सारा कॉमन रेशियो लाई करता है. और जो अभी निकालने के लिए हमसे बोला गया था वो हम निकालेंगे. अगर 160 इंटू आर टू द पावर कॉमन रेशियो यानी 5 के पावर 5 माइनस 1, 5 क्योंकि फिफ्थ टर्म हमको निकालना है, फिफ्थ टर्म का स्पीड निकालना है. तो 5 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 4. इसको सॉल्व कीजिएगा तो 671 मिलेगा. तो आंसर जो मिला हमको 671. नेक्स्ट स्पीड इज 671 और इसमें 1 से 2. नेक्स्ट है फॉर मशीनिंग ए कास्टिंग ऑन लेथ. कोई कास्ट आयरन को जिसको हम कास्टिंग किए हैं और उसको मशीनिंग करना है, कास्टिंग करके तैयार किए हम. तो मान लीजिए मेरा जॉब ये था, इस तरह का जॉब हम प्रोड्यूस किए हैं, इस कास्टिंग करके ऐसा बनाए हैं. अब इसमें क्या करना है, हमको फिनिशिंग करना है. फिनिशिंग करने के लिए हम इसको लेथ मशीन में लगा करके फिनिशिंग करना है. मतलब एक्सेस मटेरियल हमको रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ चिप. चिप के फॉर्मेट में एक्सेस मटेरियल जो इसमें है, कहीं कहीं निकला हुआ है, उसको रिमूव करना है चारों तरफ से. मतलब टर्निंग करना है, फेसिंग करना है वगैरह वगैरह. तो उसके लिए हम इसको जब हम चक में कसेंगे, चक जो लेथ में होता है उसमें हम कसेंगे, उसके बाद ना यहाँ पर टूल यहाँ पर लगेगा. तो जो हम चक में जब इसको हम कसेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम टर्निंग ऑपरेशन करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक उसको टर्निंग ऑपरेशन करेंगे. तो जब हम चक में इसको कसेंगे तो जो इसमें इसको चक में कसना चाहिए वो प्रॉपरली कसना चाहिए, क्योंकि कास्ट किया हुआ है, कास्टिंग के दौरान बना है, कास्ट करने से बना है. और कास्टिंग करने के बाद जो बनता है वो जनरली क्या होता है, बिटरली नेचर होता है. अगर इसको प्रॉपरली हम इसको बढ़िया से चक में
अटैच नहीं किए हैं तो ब्रेक होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हमको जब कास्ट मटेरियल को अगर हमको चक में कसना है फॉर मशीनिंग के लिए या फिनिशिंग के लिए, तो उसके लिए हम लोग फोर जॉ चक यूज़ करते हैं, मतलब फोर जॉ चक यूज़ करते हैं तो ताकि प्रॉपरली क्लैंप हो सके ये वर्कपीस। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है, जब कास्टिंग करते हैं तो फोर जॉ चक ही जनरली यूज़ करते हैं। कास्टिंग मटेरियल का मशीनिंग करने के लिए हम लोग फोर जॉ चक यूज़ करते हैं। नाउ अब अगर बात कर रहा है कि इन ए ऑटोमेटिक मशीन वेयर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट आर मशीन फ्रॉम ए बार इट इज़ हेल्ड इन, यहाँ पर बात कर रहा है ऑटोमेटिक मशीन का, और वो बार टाइप है। जो वर्क पीस है वो किस टाइप है? बार टाइप है। और जब कोई बार टाइप है तो बार टाइप के लिए अगर ऑटोमेटिक मशीन में काम करना है हमको, तो बार टाइप के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कॉलेट चक यूज़ करते हैं बार टाइप के लिए। नाउ अगर हम बात करें टरेट लेथ में इन विच द लॉन्ग टर्निंग कट आर मेड टरेट लेथ इन लॉन्ग टर्निंग कट आर मेड बाई मूविंग द सैडल अलॉन्ग द बेड वे ऑफ द मशीन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि सैडल टरेट मशीन टरेट लेथ होता क्या, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले टरेट और कैप्सन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन भी देख लेते हैं। ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इस पर्टिकुलर मशीन में द प्लेन व्यू ऐसा इस टाइप का दिखेगा आपको। दिस इज हेड स्टॉक, दिस इज स्क्वायर टरेट जो है, और ये फ्रंट रियर क्रॉस स्लाइड है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कैम शाफ्ट और कैम मैकेनिज्म जिसकी वजह से ऑटोमेटिक फीडिंग हमको देंगे यहाँ पर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जब ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक लेथ में, सिंगल स्पिंडेड ऑटोमेटिक लेथ में आप यूज़ करते हो द बार टाइप स्टॉक इज हेल्ड इन कॉलेट चक। बार टाइप स्टॉक कहाँ रखते हैं? कॉलेट चक में। ये जो चक है वो कॉलेट टाइप का है। कॉलेट टाइप कहने का मतलब है को ईजिली इंसर्ट किए, कोई वहाँ पर नट या बोल्ट नहीं होता, इजली इंसर्ट किए वो फिक्स हो जाता है। इसका फिगर भी आने वाले समय में दिखाएंगे हम ये कॉलेट टाइप चक कैसा होता है। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान में रखिए कॉलेट टाइप चक यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक मशीन में। नाउ अगर हम बात करें टरेट और कैप्स्टन के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा कैप्स्टन और टरेट लेथ दोनों, कैप्स्टन हो या टरेट हो, ये जो फिगर हम दिखा रहे हैं ये कैप्स्टन का है, कैप्स्टन का फिगर है। तो कह रहा है दोनों, कैप्स्टन हो या टरेट लेथ हो, दोनों का दोनों सेमी ऑटोमेटिक लेथ होता है। कैप्स्टन लेथ एंड टरेट लेथ आर वेरी सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखने से पता नहीं चलेगा कि दोनों कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ही सिमिलर होता है। ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन भी सिमिलर ही होता है। बेसिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैप्स्टन लेथ आर शोन इन द फिगर। कैप्स्टन लेथ का बेसिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। दिस इज द कैप्स्टन लेथ, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज द कैप्स्टन लेथ, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है, और ये आपका फ्रंट व्यू है। थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करने वाला, दिस इज द टरेट, दिस इज द हेड स्टॉक, और टरेट जो है वो एक स्लाइड के ऊपर रेस्टिंग है, एक स्लाइड के ऊपर रेस्टिंग है, और स्लाइड जो है वो ऑक्सिलरी बेड के ऊपर रेस्ट है, ऑक्सिलरी बेड के ऊपर रेस्टिंग है। और ये जो है ऑक्सिलरी बेड, इसका जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक वो बहुत ही स्मॉल होता है। ये लाइट ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, और जनरली इसमें रॉड टाइप जॉब यूज़ करते हैं, बार टाइप जॉब ही यूज़ करते हैं। और बार टाइप जॉब जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए उसको फिट करने के लिए हमारे पास कॉलेट होता है, कॉलेट चक होता है। बार टाइप को फिट करने के लिए कॉलेट चक होता है, ये ध्यान रखना है। अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर हमको थ्रेडिंग करना है तो एक एडिशनल टूल यहाँ पर लगाना होगा, एडिशनल डाई लगाना होगा इस टूल पोस्ट में, एडिशनल डाई होल लगाना होगा जिसके मदद से इसको यहाँ पर थ्रेडिंग काट सकते हैं, वर्कपीस में थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो एडिशनल डाई यहाँ पर इंसर्ट करना होगा टूल पोस्ट में। ये आपका टूल पोस्ट, ये टरेट है। ये टरेट जो है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है, इसमें एक साथ 6 टूल लगा होता है, हर एक फेस में एक एक टूल लगा होता है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। जिस टूल से हमको काम करना है उस टूल को हम डायरेक्टली इंगेज कर देते हैं वर्कपीस के साथ, और वो मेरा काम करके देता है। तो ये है स्मॉल ड्यूटी के लिए,
बैच प्रोडक्शन के लिए लेंथ बहुत ही स्मॉल मूवमेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो आपका टरेट है वो रेस्टिंग ऑन ए स्लाइड एंड स्लाइड इज रेस्टिंग ऑन ए ऑक्सिलरी बेड। लेंथ ऑफ मूवमेंट इसमें स्मॉल होता है, लो ड्यूटी वर्क होता है इसमें, स्मॉल ड्यूटी वर्क होता है और सेमी ऑटोमेटिक है ये। अगर हम बात करें इसका ओरिजिनल अगर फिगर हम देखें, इसका ओरिजिनल हम फिगर देखें तो ये दिस इज द कैपस्टन लेथ। देखने से ही पता चल रहा है ये छोटा सा लेथ है, छोटा लेथ है। स्मॉल ड्यूटी, स्मॉल ड्यूटी मतलब कि इसका जो लेंथ ऑफ मूवमेंट इज स्मॉल। ये आपका टरेट है, थोड़ा सा गौर से देखिए, दिस इज द टरेट, दिस इज द टरेट, दिस इज अ स्लाइड जिसके ऊपर ये स्लाइड करता है। स्लाइड जो है ऑक्सिलरी बेड के ऊपर रेस्ट करता है और ये उसका मूवमेंट बहुत ही स्टॉक स्मॉल होता है और ये स्मॉल ड्यूटी वर्क के लिए काम करता है। दिस इज द कैपस्टन लेथ। नाउ अगर हम बात करें टरेट लेथ के बारे में, थोड़ा सा टरेट लेथ के बारे में बात करें तो दिस इज द टरेट लेथ, दिस इज द टरेट लेथ। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, टरेट लेथ जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, उसे लॉन्ग लेंथ के लिए होता है। और टरेट जो है इसमें, इसमें ये जो टरेट है, दिस इज द टरेट, टरेट इज रेस्टिंग ऑन द सैडल, डायरेक्टली सैडल पे वो रेस्ट किया हुआ है डायरेक्टली। यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी बेड या स्लाइड नहीं है, पिछला केस में आप देखे थे वहाँ ऑक्सिलरी बेड और स्लाइड था, यहाँ पर टरेट जो है वो डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन सैडल, सैडल के ऊपर डायरेक्टली वो रखा हुआ है एंड डायरेक्टली ट्रेवल ऑन द बेड विथ लार्ज स्ट्रोक लेंथ। इसमें स्ट्रोक लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा दूर तक ही आगे पीछे जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि इसमें बार टाइप और चक टाइप दोनों तरह का वर्क पीस को यहाँ पर हेल्ड कर सकते हैं, बार टाइप भी चक टाइप भी। अगर हम इसको बार टाइप यूज़ करेंगे, बार टाइप यूज़ करेंगे तो कॉलेट हमको यूज़ करना होगा, अगर चक टाइप यूज़ करेंगे तो चक हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो चक टाइप या बार टाइप दोनों टरेट लेथ में, इस दिस इज नोन एज टरेट लेथ, तो टरेट लेथ में चक टाइप और बार टाइप दोनों का दोनों यूज़ करते हैं। अगर बार टाइप होगा तो उसको हम कॉलेट में, बार टाइप रहेगा तो यहाँ पर कॉलेट कॉलेट यूज़ करेंगे और चक टाइप रहेगा तो यहाँ चक यूज़ करेंगे वर्कपीस को होल्ड करने के लिए ना। ये भी सेमी ऑटोमेटिक है, ये भी बैच प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट टरेट लेथ में क्या होता है, थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, टरेट लेथ में एक प्रोविज़न है लीड स्क्रू का और फीड रॉड का। लेकिन ये लीड स्क्रू और फीड रॉड जो यहाँ पर लीड स्क्रू और फीड रॉड हम लोग यूज़ किए थे, अगर हमको थ्रेडिंग करना है इस पर्टिकुलर केस में तो हम लीड स्क्रू के मदद से एक कैरेज को उतना ही मूव करवाएंगे आगे, उतना ही मूव करवाएंगे जितना हमको मूव करवाना है। मतलब पहले भी हम देख चुके हैं कि कैरेज लीड स्क्रू की मदद से हम कैरेज को डिफिनिट अमाउंट ऑफ आगे या पीछे मूव करवा सकते हैं ताकि मेरा थ्रेड कटिंग आसानी से हो जाए। लेकिन इन केस ऑफ कैपस्टन लेथ में हमको अगर थ्रेड काटना है तो वहाँ पर एक एडिशनल डाई लगाना होता था, लेकिन इसमें डाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कैरेज को ही मूव करवाइएगा आगे या पीछे विद द हेल्प ऑफ लीड स्क्रू के मदद से ना, लीड स्क्रू और हाफ नट के मदद से। हाफ नट यूज़ करते थे हम लोग, लास्ट क्लास में हम देखे थे उसको कि सेंटर लेथ में हम लोग हाफ नट यूज़ करके मोशन को ट्रांसमिट किए थे थ्रू द लीड स्क्रू टू द कैरेज। नाउ दिस इज द टरेट लेथ, ये टरेट लेथ है। अगर हम दोनों में डिफरेंस का बात करें तो डिफरेंस के बारे में हम मैक्सिमम बात कह चुके हैं अभी, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेज बिटवीन कैपस्टन एंड टरेट लेथ। कैपस्टन और टरेट लेथ के बीच कुछ डिफरेंसेज है। टरेट लेथ आर रिलेटिवली मोर रोबस्ट एंड हैवी ड्यूटी मशीन, ये मोर रोबस्ट है एंड हैवी ड्यूटी के लिए। और कैपस्टन के लिए बताया है हम कि कैपस्टन जो है उसका स्ट्रोक लेंथ बहुत ही स्मॉल होता है, दिस इज द कैपस्टन। लेकिन आप अगर गौर से देखिएगा दिस इज द टरेट लेथ, टरेट लेथ को अगर गौर से देखिएगा तो ये बहुत ही रोबस्ट होता है और ये हैवी ड्यूटी के लिए काम किया जाता है, बहुत बड़ा है ये, हैवी लार्ज स्ट्रोक लेंथ इनको प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर। इन दोनों ही केस में टेल स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, टेल स्टॉक नहीं होता है ये ध्यान रखना है, कैपस्टन और टरेट में टेल स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, ये दोनों सेमी ऑटोमेटिक होता है, बैच प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। और तो ये बहुत ही रोबस्ट होता है, हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग टरेट लेथ यूज़ करते हैं और स्मॉल ड्यूटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपस्टन लेथ। कैपस्टन लेथ आर जनरली डीप विथ शॉर्ट और लॉन्ग रॉड टाइप ब्लैंक जिसको हेल्ड करते हैं कॉलेट में। अगर बार टाइप है तो उसको कहाँ अटैच करेंगे, कॉलेट में। वेर एज टरेट लेथ मोस्टली वर्क ऑन द चकिंग टाइप जॉब हेल्ड इन क्विक एक्टिंग चक। तो टरेट में
टरेट में मोस्टली चकिंग टाइप होता है, लेकिन वहाँ भी बार टाइप यूज़ कर सकते हैं हम। और बार टाइप जब यूज़ करेंगे तो उसको हम बार टाइप को हम लोग कॉलेट में कसेंगे। बार टाइप अगर जॉब है मेरा तो उसको हम कॉलेट में अटैच करेंगे, और अगर चक टाइप जॉब है तो उसको हम चक में अटैच करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, इन कैप्स्टन लेथ द टरेट ट्रेवल विथ लिमिटेड स्टॉक। कैप्स्टन लेथ में टरेट जो है वो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में मूव करता है, मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस वो मूव कर सकता है स्टॉक लेंथ विद इन ए सैडल सैडल टाइप गाइड ब्लॉक विद इन ए सैडल टाइप गाइड ब्लॉक कॉल्ड ऑक्सिलरी बेड, जिसको हम ऑक्सिलरी बेड के ऊपर आगे पीछे लेके जाते हैं। तो कैप्स्टन लेथ में क्या होता है, कैप्स्टन लेथ में जो टरेट होता है वो टरेट इज रेस्टिंग ऑन द स्लाइड एंड स्लाइडिंग रेस्टिंग ऑन द ऑक्सिलरी बेड एंड द मूवमेंट इज स्मॉल। वेयर एज इन टरेट लेथ द हैवी टरेट इज माउंटेड ऑन द सैडल, डायरेक्टली हैवी टरेट इज बींग माउंटेड ऑन द सैडल विच डायरेक्टली स्लाइड विथ द लार्जर स्ट्रोक लेंथ, डायरेक्टली स्लाइड विथ लार्जर स्ट्रोक लेंथ, इसमें स्ट्रोक लेंथ बहुत ज़्यादा होता है ऑन द मेन बेड एज इंडिकेटेड इन द फिगर, जिसको हम फिगर में दिखाएं। नाउ वन एडिशनल गाइड रॉड या पायलट बार इज प्रोवाइडेड ऑन द हेड स्टॉक ऑफ द टरेट लेंथ एज सोन इन द फिगर टू इंश्योर द रिजिड एक्सियल ट्रेवल ऑफ द टरेट हेड। ठीक है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड इज कट इन द कैप्स्टन लेथ, कैप्स्टन लेथ में अगर स्क्रू थ्रेड काटना है हमको इफ रिक्वायर्ड यूजिंग ए सेल्फ ओपनिंग डाई यूज करते हैं माउंटिंग ऑन द वन फेस ऑफ द टरेट। वेयर एज इन टरेट लेथ एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी जनरली कट इफ रिक्वायर्ड बाय द सिंगल पॉइंट या मल्टी पॉइंट केसिंग टूल जो केसिंग डायल गेज का बात किए थे वो केसिंग डायल गेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम लोग। बींग माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द स्लाइड एंड मूव्ड बाई ए शॉर्ट लीड स्क्रू और स्विंग टाइप हाफ नट के मदद से आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये रहा कैप्स्टन और टरेट के बारे में। तो हमसे ये पूछा गया है इसमें फॉर ऑटोमेटिक मशीन के केस में वेयर द लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट आर मशीन फ्रॉम द बार विच इट इज हेल्ड इन, बार टाइप है तो कॉलेट या कॉलेट चक में हम इसको अटैच करते हैं। नेक्स्ट, टरेट लेथ इज लॉन्ग टर्निंग कट आर मेड बाय मूविंग द सैडल अलोंग द बेडवे। जब टरेट लेथ में इन विच द लॉन्ग टर्निंग कट आर मेड, लॉन्ग टर्निंग कट हमको बनाना है By moving the saddle along the bedway of the machine, तो उसको हम क्या बोलते हैं, saddle type turret lathe उसको बोलते हैं saddle type turret lathe। ये ध्यान रखना, जो turret lathe अभी बात किए थे हम उसको saddle type turret lathe भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ टम्बलर गियर। टम्बलर गियर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए अभी डिस्कस उसको नहीं करेंगे। टम्बलर गियर जो है वो टम्बलर गियर हम लोग यूज़ काहे के लिए करते हैं, जो टम्बलर गियर गिव्स द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लेथ का जो कैरेज होता है उसको हम आगे या पीछे मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ टम्बलर गियर। जो कैरेज है, जैसे हम इसका बात करेंगे, ये अगर कैरेज है, ये कैरेज है, तो कैरेज को आगे या पीछे लेके जाता है विद द हेल्प ऑफ टम्बलर गियर। टम्बलर गियर की मदद से हम आगे और पीछे इसको मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट, टरेट लेथ्स इक्विप विद स्पिंडल विच कैन बी फिटेड विथ यूनिवर्सल टू जॉ चक आज रिफर्ड एज। जब टरेट लेथ में हम पहले ही बताए हैं, टरेट लेथ में दो तरह से हम कस सकते हैं, दो तरह से उसको अटैच कर सकते हैं। तो एक है बार टाइप और दूसरा है चक टाइप। दिस इज द टरेट लेथ। अब टरेट लेथ में हम बताए हैं कि इसमें दो तरह से कर सकते हैं। इसमें अगर बार टाइप जॉब अगर बार टाइप हो तो उसको हम लोग कॉलेट में अटैच करते हैं, और बार मतलब जो जॉब है मेरा, जिसको काम करना है, जो वर्क पीस है जो मेरा, वो अगर चक टाइप है तो उसको हम चक में अटैच करेंगे। तो चक में जब अटैच करेंगे तो उसको चकिंग टाइप बोलेंगे, और जब बार टाइप रहेगा तो उसको हम कॉलेट में अटैच करेंगे। ये ध्यान में रखना है। तो क्योंकि कैप्स टरेट लेथ में आपको दोनों तरह का यूज़ कर सकते हैं आप, इसलिए इसमें अगर यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है टरेट लेथ इक्विप विद स्पिंडल विच कैन बी फिटेड विद चक यूनिवर्सल टू डॉट चक टाइप है, जो चक टाइप उसमें होल्डिंग वर्क होल्डिंग चक जो है वो चक टाइप है, तो उसको हम चकिंग मशीन बोलेंगे।
लेकिन ऑन बार टाइप टरेट लेथ, जब बार टाइप हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार टाइप रहेगा तो वर्क टू बी मशीन्ड इज ग्रिप्ड इन कॉलेट, उसको हम कॉलेट में बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्लैंक वियर ऑकर्स मेनली ऑन, फ्लैंक वियर जो है वो क्या होता है, तो फ्लैंक वियर जो होता है जैसे मान लीजिए कि आपका ये टूल है, दिस इज द टूल, ये आपका रेक सरफेस है और ये आपका क्लियरेंस सरफेस है और ये आपका नोज है। तो अगर फ्लैंक जो मेरा क्लियरेंस सरफेस को हम लोग रिलीफ सरफेस भी बोलते हैं, क्लियरेंस को रिलीफ सरफेस ही बोलते हैं, और रिलीफ दो तरह का देखने को मिलता है, एक साइड क्लियरेंस और दूसरा बैक क्लियरेंस। साइड क्लियरेंस जो होता है, साइड क्लियरेंस और बैक क्लियरेंस यहाँ पर चूंकि टू डायमेंशन में दिखा नहीं सकते हैं हम, लेकिन साइड क्लियरेंस और बैक क्लियरेंस को हम लोग क्लियरेंस को रिलीफ एंगल भी बोलते हैं, रिलीफ एंगल भी बोलते हैं। तो अगर अगर इस रिलीफ एंगल या फ्लैंज एंगल दोनों ही बोलते हैं, तो दिस इज द रेक सरफेस, दिस इज द फ्लैंज सरफेस, ये जो है आपका रेक सरफेस है, दिस इज द फ्लैंज सरफेस। फ्लैंज सरफेस को हम रिलीफ सरफेस भी बोलते हैं। तो रिलीफ सरफेस या फ्लैंज सरफेस जो होता है वो अगर डैमेज हो जाए, वो अगर डैमेज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्लैंक वियर, फ्लैंक वियर। तो फ्लैंक वियर जो होता है वो साइड साइड फ्लैंक सरफेस या बैक फ्लैंज सरफेस। तो फ्लैंक सरफेस को हम लोग रिलीफ सरफेस भी बोलते हैं। तो रिलीफ सरफेस अगर डैमेज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि फ्लैंक वियर हुआ, फ्लैंक जो है वो वियर हो गया। तो फ्लैंक वियर में नोज रेडियस भी आपका आ जाता है, नोज पार्ट भी डैमेज हो जाता है, नोज का पार्ट भी डैमेज हो जाता है और रिलीफ सरफेस भी डैमेज हो जाता है। रिलीफ सरफेस का नाम ही है फ्लैंक सरफेस, और साइड रिलीफ और बैक रिलीफ दो तरह का रिलीफ एंगल आपको देखने को मिलेगा, वो दोनों को दोनों जब डैमेज होता है तो उसको बोलते हैं फ्लैंक वियर। तो ऑप्शन नंबर ए, नोज पार्ट भी फ्रॉम रिलीफ फेसेस एंड साइड रिलीफ फेस दोनों का दोनों डैमेज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कैप्स्टन लेथ में, कैप्स्टन लेथ में द टरेट इज माउंटेड ऑन, कैप्स्टन लेथ अभी भी देखे थे हम, उसमें टरेट कहाँ माउंटेड होता है, तो पहले थोड़ा कैप्स्टन लेथ को हम फिर से देख लेते हैं। दिस इज द कैप्स्टन लेथ, इस कैप्स्टन लेथ में दिस इज द टरेट, टरेट इज रेस्टिंग ऑन स्लाइड, एक स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर रेस्ट कर रहा है, स्लाइड जो है ऑक्सिलरी बेड के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ऑक्सिलरी बेड के ऊपर जो रेस्ट कर रहा है वो ऑक्सिलरी बेड। बट इन केस ऑफ टरेट लेथ में क्या होता है कि दिस टरेट इज रेस्टिंग ओनली ऑन द सैडल एंड सैडल सैडल जो है वो डायरेक्टली ट्रेवल ऑन द बेड, सैडल डायरेक्टली ट्रेवल ऑन द बेड। बट इस केस में कैप्टन में क्या होता है कि आपका टरेट जो है वो स्लाइड पे, एक स्लाइड पे रेस्ट किया हुआ है। इन कैप्स्टन लेथ द टरेट इज माउंटेड ऑन द शॉर्ट स्लाइड ऑफ रैम स्लाइडिंग ऑन द सैडल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एसेंशियल फॉर टूल मटेरियल यूज्ड फॉर हाई स्पीड मशीनिंग, हाई स्पीड मशीनिंग हमको करना है तो हाई स्पीड मशीनिंग करने के लिए, जब हाई स्पीड मशीनिंग करना है तो वो टूल मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, तो टूल मटेरियल का प्रॉपर्टी होना चाहिए वो होना चाहिए वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, टफनेस भी होना चाहिए और रेड हार्डनेस मतलब हॉट हार्डनेस भी होना चाहिए। अगर टूल मटेरियल का प्रॉपर्टीज की बात करें हम जिससे उसका मतलब हाई स्पीड मशीनिंग करें या फिर टूल लाइफ इंक्रीज हो जाए, टूल लाइफ इंक्रीज हो जाए तो उसका जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ टूल मटेरियल टू इंक्रीज द टूल लाइफ, टूल लाइफ इंक्रीज करने के लिए, टूल लाइफ इंक्रीज करने में तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ गया मतलब वेलोसिटी, अगर कम वेलोसिटी पर चलाएंगे तो टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर हमको ज़्यादा वेलोसिटी पर भी चलाना है, हाई स्पीड मशीनिंग करना है तो हाई स्पीड मशीनिंग के केस में भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ टूल मटेरियल हाई स्पीड मशीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, हाई हॉट हार्डनेस, हाई हॉट हार्डनेस मतलब रेड हार्डनेस जिसके बारे में बात कर रहा है, इज वेरी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज स्पेशली फॉर हाई स्पीड मशीनिंग, स्पेशली फॉर हाई स्पीड मशीनिंग, हाई स्पीड मशीनिंग के केस में, हाई स्पीड मशीनिंग के केस में, हाई स्पीड मशीनिंग अगर हो रहा है तो टेम्परेचर टूल का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, टूल का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि हाई स्पीड मशीनिंग कर रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस वक्त बढ़े हुए टेम्परेचर में उसका हार्डनेस कैसा है, उस समय भी हार्ड रहेगा तभी तो मटेरियल रिमूव कर पाएगा।
When high temperature are occurring on the cutting region and on the rake and flank surface, rake surface और flank surface पे जो high temperature generate होगा due to high speed machining के वजह से उसको sustain कर पाना चाहिए. मतलब जो भी हम tool material का property होना चाहिए उसमें सबसे पहला property होना चाहिए high hardness होना चाहिए, high hot hardness होना चाहिए. This gives resistance to the plastic deformation, adhesion and abrasion mechanism. दूसरा क्या? दूसरा toughness. Toughness होना चाहिए. Toughness is the desirable properties फॉर टेकिंग हैवी कट. हैवी कट अगर करना है हमको तो हैवी कट करने के लिए, रफ कट करने के लिए या इंटरप्टेड कटिंग करने के लिए टफ होना चाहिए. मेरा टूल मटेरियल जो होना चाहिए वो टफ होना चाहिए. टफनेस हेल्प टू रेजिस्ट सडन लोड. टफनेस क्यों हेल्प करता है हमको? सडन लोड को रेजिस्ट कर सकता है. टफनेस सडन लोड को रेजिस्ट कर सकता है. टफनेस सडन लोड को रेजिस्ट कर सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है. ड्यूरिंग द एबव मशीनिंग कंडीशन, ऊपर के मशीनिंग कंडीशन में टफनेस जो है वो सडन लोड को रेजिस्ट कर सकता है. इसलिए टफनेस भी होना चाहिए, हाई हॉट हार्डनेस भी होना चाहिए. और थर्ड है वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए. फोर्थ वन लैक ऑफ केमिकल एफिनिटी, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए. ऐसा टूल मटेरियल होना चाहिए जो कि वर्क मटेरियल के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे. केमिकल रिएक्शन वर्क मटेरियल अगर ये है मेरा टूल, मेरा ये है, ये मेरा टूल है, तो दोनों रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड ना बना दे. इसलिए केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब लैक ऑफ केमिकल एफिनिटी होना चाहिए. हाई थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, सच है थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि इजिली हीट का ट्रांसफर बाहर की तरफ हो सके. जब भी मशीनिंग हाई स्पीड मशीनिंग होगा तो हाई स्पीड मशीनिंग होगा तो टेम्परेचर जनरेट होगा, और टेम्परेचर जनरेट होगा तो वो अगर थर्मल कंडक्टिविटी उसका बहुत ज़्यादा है तो आसानी से हीट बाहर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, बाहर इजेक्ट आसानी से हीट हो जाएगा. इसलिए जो भी हम टूल मटेरियल यूज़ करेंगे उसका कोशिश करेंगे उसका थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए. एंड स्पेसिफिक हीट एंड लो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा तो इसका एक्सपेंड होने लगे. तो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो होना चाहिए एंड कैन रेजिस्ट थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल शॉक, जिसके वजह से थर्मल स्ट्रेस और थर्मल शॉक भी कम होना चाहिए. तो कुल मिलाकर के कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, स्पेसिफिक स्पीड स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होना चाहिए, लैक ऑफ केमिकल एफिनिटी होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंस टफनेस एंड हाई हार्डनेस होना चाहिए. तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टूल का जो कि हम लोग यूज़ करेंगे हाई स्पीड मशीनिंग के लिए. तो उस पर्टिकुलर केस में तो रेड हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड टफनेस द कैरेक्टरिस्टिक दैट इनेबल द वन मटेरियल टू कट अनदर, एक मटेरियल दूसरे को काट पाए. जब भी हम ऐसा मशीनिंग करते हैं तो मशीनिंग करने के दौरान अगर ये मेरा चक है, यहाँ पर हम वर्क को रखे हैं, वर्क पीस रखे हैं, ये मेरा टूल है, ये मेरा टूल है, तो ये मटेरियल, ये क्योंकि इस मटेरियल से हार्ड होना चाहिए तभी तो ये एक्सेस मटेरियल रिमूव कर पाएगा. इसमें हम कटिंग मोशन दे रहे हैं, इस टूल में हम फीड मोशन दे रहे हैं. तो जब कभी भी टूल मटेरियल आपका हार्ड होगा, टूल मटेरियल हार्ड होगा तभी तो एक्सेस मटेरियल वहां से रिमूव कर पाएगा वर्कपीस से. तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है टफनेस. द कैरेक्टरिस्टिक दैट इनेबल वन मटेरियल टू कट अनदर इज इट्स रिलेटिव हार्डनेस की वजह से, रिलेटिव हार्डनेस की वजह से ही कट कर पाता है वो. मोस्ट मशीनेबल मेटल इज़ वन, मतलब कोई मटेरियल है मेरे पास वो इजिली मशीनेबल है, मतलब मोस्ट मशीनेबल है वो. ये अगर वर्क पीस है, दिस इज द वर्क पीस, ये इजिली मशीनेबल है. इसका मतलब क्या? इजिली मशीनेबल का मतलब एक्सेस मटेरियल जो रिमूव कर रहा है वो बहुत ही इजिली कर रहा है, एक्सेस मटेरियल जो रिमूव कर रहा है बहुत ही इजिली कर रहा है. दैट मीन कह सकते हैं मटेरियल रिमूवल रेट जो है, मटेरियल रिमूवल रेट जिस रेट से मटेरियल रिमूव कर रहा है वो अगर हायर होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो मोस्ट मैसिनेबल मेटल है. वो जो मेटल है वो मोस्ट मैसिनेबल है. कब? जब मटेरियल रिमूवल रेट आपको ज़्यादा होगा. मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है? वॉल्यूम रिमूव्ड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम आपका रिमूव हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं मटेरियल रिमूवल रेट. तो मटेरियल रिमूवल रेट आपका ज़्यादा होना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं मोस्ट मैसिनेबल मेटल है वो. तो मोस्ट मैसिनेबल मेटल इज़ वन विच परमिट्स मैक्सिमम मेटल रिमूवल रेट. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू कोरिलेट टूल लाइफ
टू लाइफ को अगर हम कोरिलेट करना हो तो टू लाइफ को जनरली हम कोरिलेट नहीं कर सकते हैं किसी किसी भी चीज़ के साथ, टू लाइफ को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। टू लाइफ का एक कोरिलेशन हमको दिखता है वो हार्डनेस के साथ, कि हार्डनेस अगर टू लाइफ का टूल का हार्डनेस अगर ज़्यादा है तो उसका टू लाइफ कुछ हद तक बढ़ जाता है। इसलिए कोरिलेट टू लाइफ, टूल लाइफ को हम कोरिलेट करते हैं विद द हार्डनेस, हार्डनेस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं उसको हम। नेक्स्ट है सैंडिंग। सैंडिंग क्या होता है? ये सैंडिंग जनरली जो है ना, ये सैंडिंग जनरली हम लोग देखते हैं वुड मैन्युफैक्चर, वुड जहाँ मैन्युफैक्चर होता है ना, फर्नीचर मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ सैंडिंग प्रोसेस होता है। सैंडिंग प्रोसेस होता है, एक सैंडिंग बेल्ट होता है, वो क्लोथ का बना होता है, कपड़ा होता है उसके ऊपर, और उसको कोटेड विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कोटेड रहता है वो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से वो क्या रहता है, कोटेड रहता है। अब जानते हैं हम लोग कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक टूल है मेरे पास, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दिस इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो कि यूज़ करते हैं हम लेथ में। दिस इज द फ्लैंक सरफेस, दिस इज द रेक सरफेस। ये सिंगल पॉइंट जो है, ये सिंगल पॉइंट आगे वाला जो पॉइंट है यही कट करता है मेन, जिसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो कि एब्रेसिव पार्टिकल, जो बहुत सा एब्रेसिव पार्टिकल, जो अल्मोनियम ऑक्साइड एब्रेसिव पार्टिकल को यहाँ बाइंड कर रहे हैं हम, वो बहुत सारा पॉइंट होता है कटिंग टूल। इसको बोल सकते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो एक्चुअल में ये कोई फाइलिंग ऑपरेशन नहीं है, ये कटिंग ऑपरेशन ही है, ये कटिंग ऑपरेशन है, लेकिन मल्टीपल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर। बहुत सारा पॉइंट होता है जो कि मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन। अगर हम ड्रिल बीट का बात करें तो ड्रिल बीट में जो होता है वो होता है टू पॉइंट कटिंग मशीन, कटिंग टूल, टू पॉइंट कटिंग टूल। इसमें दो पॉइंट काटता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अगर ये ड्रिल बीट का हम बात कर रहे हैं, अगर ये ड्रिल बीट का बात कर रहे हैं, दिस इज द ड्रिल बीट, तो ड्रिल बीट में दो पॉइंट काटता है, ये दो पॉइंट काटता है। दिस इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दिस इज द डबल पॉइंट कटिंग टूल, एंड दिस इज द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एक और एग्जांपल है मिलिंग कटर। मिलिंग कटर जो होता है वो, मिलिंग कटर भी जो होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आपका ग्राइंडिंग आ जाएगा और ग्राइंडिंग साथ मिलिंग कटर आ जाएगा। मिलिंग कटर जो है ये, अगर मिलिंग कटर है आर्बर के ऊपर कनेक्ट रहता है, आर्बर अगर यहाँ पर रखा हुआ है, आर्बर है, आर्बर के ऊपर कनेक्ट रहता है जो मिलिंग कटर। ये मिलिंग कटर में बहुत सारा पॉइंट जो रहता है वो कटिंग ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है। तो उसमें बहुत सारा पॉइंट होता है कटिंग ऑपरेशन के लिए। तो जो बहुत सारा पॉइंट होता है ना, होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग कटिंग टूल। तो ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में, जिसको मिलिंग कटर बोल सकते हैं। ये भी ग्राइंडिंग का, जो ग्राइंडिंग जो करते हैं, तो ग्राइंडिंग या सैंडिंग, सैंडिंग में भी हम एक्सेस मटेरियल ही रिमूव करते हैं, तो ये भी एक कटिंग ऑपरेशन ही है। तो यहाँ पर दो बात हम देख पाए कि सैंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल, मटेरियल रिमूवल फ्रॉम द सर्फेस बाई कटिंग ऑपरेशन, ये ध्यान रखना। दूसरा, सैंडिंग बेल्ट जो होता है वो किससे बना होता है, क्लॉथ इज कोटेड विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कोटेड रहता है। सैंड से नहीं, सैंडिंग देखकर सैंड मत मार दीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड से कोटेड रहता है। अगर हम इसका, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें, सैंडिंग या सरफेस फिनिशिंग, इसमें भी क्या होता है वो थोड़ा सा सैंडिंग होता क्या है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एब्रेसिव मशीनिंग, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एब्रेसिव मशीनिंग होता है। एब्रेसिव मशीनिंग मीन्स एब्रेसिव पार्टिकल, जो एब्रेसिव पार्टिकल में एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकन कार्बाइड, डायमंड बीड्स, ग्लास बीड्स, ये सब एब्रेसिव पार्टिकल, स्मॉल स्मॉल बुरादा जैसे छोटा छोटा दाना जो होता है। जैसे पुराना जमाने में आदमी सैंड का यूज़ करता था बर्तन धोने के लिए, तो बर्तन धोने के लिए सैंड यूज़ करता था, बालू यूज़ करता था, बस वही है यहाँ पर भी। इसमें भी रगड़ करके एक्सेस मटेरियल हम रिमूव ही करते हैं, तो एब्रेसिव पार्टिकल उसको बोलते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल में एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकन कार्बाइड, ग्लास बीड्स या फिर डायमंड बीड्स, ये सब यूज़ करते हैं। तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एब्रेसिव मशीन, एब्रेसिव मशीनिंग का ओल्डेस्ट फॉर्म को हम सैंडिंग भी बोल सकते हैं, इज दैट रबिंग द एब्रेसिव, एब्रेसिव को रब करना है अलोंग द सरफेस, द एब्रेसिव ग्रेन्स बींग अटैच टू द बेकिंग ऑफ पेपर ऑफ क्लॉथ, पेपर पे या क्लॉथ पे एब्रेसिव ग्रेन्स जो होता है, एब्रेसिव पार्टिकल जो होता है, उसको बेक किया जाता है। बेक किया जाता है मतलब उसे चिपकाया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बेकिंग एंड एडहेसिव हैव रिजल्ट द मशीनिंग फ्रॉम दिस प्रोसेस, मतलब इसको एडहेसिव मतलब चिपका देना है पेपर के साथ या क्लोथ के साथ एब्रेसिव पार्टिकल को, और उसको रब करना है, जिस सरफेस को हमको सरफेस फिनिश करना है उस सरफेस के ऊपर रब करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्सेस मटेरियल रिमूव होगा।
यूजिंग कोटेड बेल्ट और डिस्क ऑपरेटिंग विद हाई स्पीड, चाहे कोटेड बेल्ट के फॉर्म में मिलेगा आपको या फिर डिस्क के फॉर्म में मिलेगा आपको, जो कि ऑपरेट ऑपरेटिंग अंडर हाई स्पीड। इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक हैव बीन डेवलप टू अलाइन दी ग्रेन, ग्रेन को अलाइन करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि ग्रेन जो है मेरा एक लाइन में अच्छे से अलाइन रहे, गिविंग ए लेस रैंडम ओरिएंटेशन। और ऐसा करने से लेस रैंडम ओरिएंटेशन, जो जो भी एब्रेसिव पार्टिकल है जो कपड़ा के ऊपर आप लगाए हैं वो एक ऑर्गेनाइज रहे, पैटर्न में रहे, तो उस पैटर्न में रहे एब्रेसिव पार्टिकल, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक यूज़ करते हैं। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक यूज़ करके उसको हम ओरिएंट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसा करने से हमको रैंडम ओरिएंटेशन जो देखने को मिलता है एब्रेसिव पार्टिकल वो कम देखने को मिलता है, एंड मेकिंग द चिप फॉर्मेशन द डोमिनेंट मोड अलाउइंग हाई मटेरियल रिमूवल रेट। ऐसा करने से हाई मटेरियल रिमूवल रेट देखने को मिलेगा विथ मिनिमम हीटिंग। द प्रोसेस हैव ऑल्सो बीन अप्लाइड टू द डिस्क बेकिंग। इसी प्रोसेस को डिस्क के ऊपर भी लगा करके हम लोग काम करते हैं, जिसको हम ग्राइंडिंग व्हील के नाम से जानते हैं। एंड देर आर फ्यू इंडस्ट्री विच डू नॉट मेक यूज ऑफ सैंडिंग और फिनिशिंग इन बेल्ट और डिस्क फॉर्म। तो अगर इसमें जो मटेरियल यूज करता है एब्रेसिव पार्टिकल रहता है वो किस चीज का बना होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मोस्ट बेल्ट फॉर वुड सैंडिंग हैव एन ओपन कोटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव यूज करते हैं विच इज बॉन्डेड टू द क्लॉथ बेल्ट, जिसको क्लॉथ के ऊपर हम बॉन्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू और रेजिन के मदद से। उस एब्रेसिव पार्टिकल को हम लोग बॉन्ड करते हैं एक पेपर पर या फिर क्लॉथ पर, एंड रेजिन बॉन्डेड बेल्ट आउटलास्ट द चीपर ग्लू बॉन्डेड वन। चीपर ग्लू बॉन्डेड वन है। क्लोज कोटेड बेल्ट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर सैंडिंग बेयर वुड बिकॉज दे कट स्लोअर, क्लॉग क्विकली एंड कॉस्ट मोर। इसमें क्विकली क्या हो जाता है कि वो क्लॉगिंग हो जाता है, मतलब एक्सेस मटेरियल उसके गैप में आपका चिपक जाता है और इसके वजह से उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, मतलब इजिली ख़राब हो जाता है, मतलब कुछ काम किए नहीं और ख़राब हो गया। ख़राब हो जाने का मतलब जो क्लॉगिंग हो जाता है, क्लॉगिंग होने का मतलब है जो एक्सेस मटेरियल वहाँ चिप के फॉर्म में जो निकला है वो ऑलरेडी सेटल डाउन हो गया आपका दो एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में, बहुत एब्रेसिव पार्टिकल उसके बीच में जो भी वॉइड है उस वॉइड में आपका एक्सेस मटेरियल जाकर बैठ जाता है, उसे बोलते हैं क्लॉगिंग होना। टिपिकल बेल्ट आर डिजाइन टू रन इन वन डायरेक्शन। टिपिकल बेल्ट ऐसा होता है उसको इस एक ही डायरेक्शन में रन करने के लिए हम लोग बना डिजाइन किया जाता है। इफ़ यू रन द बेल्ट बैकवर्ड द सीम माइट ट्रिप, सीम जो होता है माइट रिप हो जाता है। ए फ्यू प्रीमियम बेल्ट सच ए 3M पर्पल सिरामिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेल्ट विल रन बोथ डायरेक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेल्ट है और सिरामिक कोटेड अगर है वो, तो सिरामिक जो है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाता है, जो कि हम टूल एक्सेस मटेरियल रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं सिरामिक को। तो सिरामिक कोटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो ग्रिट होता है वो उसका अगर आपका सैंडिंग बेल्ट बना हुआ है तो आप दोनों ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, आप मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें क्लॉगिंग का चांसेस भी घट जाता है, रिड्यूसिंग क्लॉगिंग एंड इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द ग्रिट, और लाइफ ऑफ द ग्रिट भी, ग्रिट का लाइफ भी बढ़ जाता है सिरामिक कोटेड अगर रहेगा तब। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर देखें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव ग्रिट बना होता है। सैंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एक्स मटेरियल रिमूवल बाय कटिंग, और सैंडिंग बेल्ट आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द मेटल इज मशीनिंग ऑपरेशन इज रिमूव बाय, अगर मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है तो मटेरियल रिमूव होगा बाय द सीयरिंग एक्शन, ये भी ध्यान रखना है, सीयरिंग एक्शन से मटेरियल रिमूव होगा। दिस इज द वर्क पीस, ये हम देख रहे हैं कि दिस इज द वर्क पीस, दिस इज द टूल। ये टूल जो है मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आपका है, कटिंग वेलोसिटी डायरेक्शन जो कि इस डायरेक्शन में है आपका। ये जो है वो A1 है। A1 क्या है, चिप थिकनेस बिफोर कट, कट होने से पहले चिप का जो थिकनेस है वो इतना मटेरियल रिमूव हो रहा है, इतना मटेरियल रिमूव हो रहा है, इतना मटेरियल इस साइड जा रहा है, ये है चिप थिकनेस। ये A2 है,
चिप थिकनेस आफ्टर कट, आफ्टर कट करने के बाद चिप थिकनेस आपका ये है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा तो यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पर टूल इसको कंप्रेस कर रहा है, तो ये है आपका सियरिंग जोन जहाँ से सियर होगा। अब चूंकि इधर से भी कंप्रेस कर रहा है, इधर से भी कंप्रेस हो रहा है, तो ये जो बॉडी है, ये चिप का जो फॉर्मेशन है, चिप जो है वो अलग हो जाएगा इस प्लेन के अलॉन्ग। ये जो एक प्लेन हम रेड कलर का बनाए हैं, इस प्लेन के अलॉन्ग ये सियर हो जाएगा और ये चिप इस तरफ टूट टूट कर आगे निकलेगा। तो जब ये जो सियर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सियरिंग प्लेन। तो सियर के वजह से एक्सेस मटेरियल रिमूव होता है इन फॉर्म ऑफ डक्टाइल मटेरियल में, डक्टाइल मटेरियल में, और डक्टाइल मटेरियल में जो चिप निकलेगा वो कंटिन्यूअस इन नेचर मिलेगा। जो हमको चिप निकल रहा है यहाँ से वो कंटिन्यूअस निकलता है, बट इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल केस में चिप जो निकलता है वो टूट टूट के निकलता है, टूट टूट करके निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल। जब कंटिन्यूअस चिप निकलता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल में जो सियरिंग होता है वो सियरिंग के वजह से ही चिप जो होता है वो रिमूव होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ से इधर कंप्रेस करेगा, इधर से कंप्रेस करेगा, दिस इज टूल, इधर टूल। तो जो ये है इस जोन में, इस जोन में आपका सियरिंग प्लेन दिखेगा, सियरिंग प्लेन के अलोंग ये सियर हो जाएगा आपका चिप और चिप बाहर निकल जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कटिंग स्पीड, हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ये कटिंग स्पीड जो होता है जब मशीनिंग आप कर रहे हैं यूजिंग हाई स्पीड टूल से, हाई स्पीड टूल से, हाई स्पीड स्टील टूल से जब मशीनिंग आप कर रहे हैं तो उस वक्त कास्ट आयरन का कटिंग स्पीड क्या होता है। तो कास्ट आयरन का कटिंग स्पीड दिख रहा है हमको 18 to 25, ये आपको ध्यान में रखना है कि कास्ट आयरन का कितना होता है 18 to 25। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मीटर पर मिनट के फॉर्म में एवरेज स्पीड दिया हुआ है। ये वर्क पीस एल्यूमिनियम है तो ये तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में आपको स्पीड दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको याद रखना है कि जब भी कास्ट आयरन यूज़ कर रहे हैं और कास्ट आयरन एक बीटल मेटेरियल है, तो बीटल मेटेरियल केस में जो स्पीड रखेंगे वो 18 to 25 जनरली हम रखते हैं, 18 to 25। द मेटल इज इन मशीनिंग ऑपरेशन इज रिमूव बाय सियरिंग। नेक्स्ट एवरेज कटिंग स्पीड इन मशीनिंग कास्ट आयरन बाय द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ हाई स्पीड स्टील इज कितना होता है 18 से 25, 18 से 25 के बीच 22। नेक्स्ट गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, तो गैल्वेनाइजिंग हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, गैल्वेनाइजिंग हम लास्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। गैल्वेनाइजिंग उस लास्ट पार्ट में था आपका सेरेडाइजिंग में जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग देखे थे। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक बाय हॉट डिपिंग गैल्वेनाइजेशन भी देखे थे हम लोग, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक। अगर ये आयरन का ब्लॉक है इसके ऊपर जिंक का लेयर हमको चढ़ाना है, जिंक का लेयर इसलिए चढ़ाना है क्योंकि वो लेस कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब मोर कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि उसमें कोरोजन नहीं चढ़ेगा, कोरोजन नहीं होगा, इसलिए जिंक का एक लेयर चढ़ाते हैं। जिंक का एक लेयर चढ़ाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हॉट डिपिंग गैल्वेनाइजेशन। तो उसमें जिंक का एक लेयर चढ़ाते हैं हम लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं गैल्वेनाइजेशन के बारे में फिर से। गैल्वेनाइजिंग गैल्वेनाइजिंग इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग ऑफ हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल का कोटिंग चढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मेटल के सर्फेस पर हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल का कोटिंग चढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज टू कोट जिंक ओवर आयरन, ये ज़्यादा यूज करते हैं जिंक को आयरन के ऊपर कोटिंग चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। हॉट डिप गैल्वेनाइज में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज क्लीनिंग द वर्कपीस, उससे पहले क्लीन करते हैं। दैट इवॉल्व्स इट्स डिग्रेडाइजिंग बाय द एसिड रेंसिंग फॉलोड बाय वाटर क्लीन, पहले एसिड से और फिर वाटर से इसको क्लीन करते हैं। सेकेंड स्टेप इज एनिलिंग, मतलब उसको कूल करते हैं, एनिलिंग एंड कूलिंग इन ऑक्साइड फ्री एनवायरमेंट में उसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। ड्यूरिंग कूलिंग व्हेन टेम्परेचर ऑफ द वर्कपीस रीचेज,
ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग कूलिंग जब ठंडा हो रहा है तो टेम्परेचर ऑफ द वर्क पीस जब रीचेज नियर टू द मोल्टन टेम्परेचर ऑफ द जिंक, जिंक के मोल्टन स्टेट का टेम्परेचर के नियर पहुंच जाता है, देन द वर्क पीस इज डिप्ड इन द बाथ, जिंक के बाथ में उसको डुबा देते हैं वर्क पीस को। ऐसा करने से क्या होगा, ए वेरी थिन एंड यूनिफॉर्म कोटिंग लेयर कैन बी मेंटेन्ड बाई पासिंग द सीट थ्रू रोलर जस्ट आफ्टर कोटिंग। कोटिंग के बाद क्या होता है, एक हल्का कोटिंग लेयर जिंक का आयरन के ऊपर चढ़ जाता है, उसके बाद हम दो रोलर के बीच उसको पास करवाते हैं तो एक कोटिंग लेयर चढ़ जाता है आपका आयरन के ऊपर, तो वो जो लेयर चढ़ा वो हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग। दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर गैल्वेनाइजिंग ए वेरी डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स शेप। कॉम्प्लेक्स शेप के लिए हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेरेडाइजिंग। सेरेडाइजिंग जो है वो जिंक डिफ्यूज़न प्रोसेस है, उसमें जिंक पाउडर यूज़ करते हैं, उसको हीट करके उसके उसका जो धुआं निकलता है उस धुआं में हम लोग रख देते हैं आपका वर्कपीस को, जो कि हम लास्ट क्लास में देखे थे, तो उस पर एक लेयर इंट्रिकेट शेप के ब्लॉक में जब जिंक का लेयर चढ़ाना हो तो उसके लिए सेरेडाइजिंग करेंगे। सेरेडाइजिंग के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है सीएलए। सीएलए क्या होता है, सीएलए मतलब होता है सेंटर लेवल एवरेज। सेंटर लेवल एवरेज एक होता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एक होता है सीएलए सेंटर लेवल एवरेज जो है वो दोनों का यूज़ हम लोग करते हैं सरफेस रफनेस मेजर करने के लिए। सरफेस कितना रफ है वो सेंटर लेवल एवरेज और आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रिलेटिव रफनेस रफनेस मेजर करने के लिए, कि रफ सरफेस अगर कितना रफ है तो उस रफनेस को मेजर करने के लिए हम सेंटर लेवल एवरेज यूज़ करते हैं, सीएलए वैल्यू यूज़ करते हैं सरफेस रफनेस मेजर करने के लिए। ये आपको ध्यान देना होगा, ये रखना होगा ध्यान में। नेक्स्ट है द फ्रंट रेक। अभी फ्रंट रेक क्या होता है, फ्रंट रेक रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग ब्रास बाई हाई स्पीड स्टील। फ्रंट रेक इज रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाई हाई स्पीड स्टील। आप लोग पढ़े हैं साइड रेक बैक रेक, रेक दो तरह का, साइड रेक और बैक रेक पढ़ चुके हैं। साइड रेक और बैक रेक में, साइड रेक को साइड रेक ही बोलते हैं लेकिन बैक रेक को कभी कभी हम लोग फ्रंट रेक भी बोलते हैं। तो बैक रेक टू मशीन ब्रास बाई हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील को ब्रास या कास्ट आयरन के केस में जो आपका बैक रेक होता है वो होता है 0 डिग्री। वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये ध्यान रखिएगा कि फ्रंट रेक या बैक रेक, जिसको फ्रंट रेक का ही नाम है बैक रेक, और वो कास्ट आयरन के लिए या ब्रास के लिए वो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जनरली हम लोग 0 ही लेते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, टूल ज्योमेट्री, टर्निंग या फेसिंग टूल ज्योमेट्री इज डेजिग्नेटेड बाई द एंगल ऑफ द टूल, एंगल ऑन द टूल। द एंगल दैट आर मोस्ट ऑफ इन वेरिड आर बैक एंड साइड रेक एंगल, वेरी करता है। द रिकमेंडेड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बैक रेक एंगल इज 0 डिग्री फॉर कास्ट आयरन एंड ब्रास। रिकमेंडेड वैल्यू फॉर बैक रेक, बैक रेक को का जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो कास्ट आयरन और ब्रास के लिए कितना, 0 डिग्री, बट एल्यूमिनियम के केस में वो 10 डिग्री, सॉफ्ट मटेरियल केस में, एल्यूमिनियम के केस में ये हम 10 डिग्री लेके चलते हैं। और क्लियरेंस एंगल पहले भी देख चुके हैं, क्लियरेंस एंगल को हम रिलीफ एंगल भी बोलते हैं। तो क्लियरेंस एंगल जो हम पहले भी देख चुके हैं, रिलीफ एंगल इज यूजली टेकन बिटवीन 5 to 10 डिग्री, जनरली 5 से 10 डिग्री ये हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर दो बात सीखे हम कि बैक रेक जो होता है वो कास्ट आयरन और ब्रास के केस में 0 डिग्री होता है, एल्यूमिनियम के केस में 10 डिग्री होता है, बट रिलीफ एंगल यानी क्लियरेंस एंगल की बात करें तो क्लियरेंस एंगल इज यूजुअली बिटवीन 5 degree to 10 degree बट मे बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर है, टॉप रेक मे हैव टू कंपोनेंट। टॉप रेक अगर बात करें तो दो कंपोनेंट देखने को मिलता है, एक बैक रेक। बैक रेक को सम टाइम कॉल्ड फ्रंट रेक, बैक रेक का ही नाम है फ्रंट रेक, विच इज पैरेलल टू द सैंक। सैंक के पैरेलल होता है, सैंक का पैरेलल होता है। सैंक जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये टूल है,
दिस इज द टूल है, ये टूल है, ये आपका सैंक कहलाएगा। ये जो एरिया मिला ना आपको सैंक कहलाएगा, इसको सैंक, इसको बोलते हैं रेक सरफेस, इसको बोलते हैं क्लियरेंस सरफेस। इस साइड रेक हो गया, क्लियरेंस हो गया नीचे वाला। दिस इज द नोज, दिस इज द नोज। तो कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर केस में फिगर तो उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप समझने के लिए समझ लीजिए दिस इज द सैंक। इसको हम टॉप पोर्शन को जहाँ पर टूल को अटैच करते हैं ना, टूल को अटैच करते हैं टूल पोस्ट में, तो उस पोर्शन को बोलते हैं सैंक। तो सैंक के पैरेलल होता है जो आपका बैक रेक जो होता है, विच इज पैरेलल टू द सैंक एंड द साइड रेक एट राइट एंगल टू द सैंक। सैंक के राइट एंगल में होता है आपका साइड रेक, साइड रेक एट राइट एंगल टू द सैंक। बस इसमें इतना ही ध्यान देना है। यहां पे लिखा हुआ वन विथ ए फ्लैट टॉप हैज जीरो रेक, विच इज मोस्ट, विच इज व्हाट यू वांट फॉर ब्रास के लिए, ब्रॉन्ज के लिए एंड कास्ट आयरन के लिए। तीनों ही केस में आपका जो बैक रेक है उसका वैल्यू जीरो लेके चलते हैं, और बैक रेक को ही हम बोलते हैं फ्रंट रेक। नेक्स्ट है द बेस्ट ऑल राउंड कूलेंट फॉर कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल बहुत ही हार्ड टूल होता है, बहुत ही हार्ड टूल को हम लोग कार्बाइड टूल भी बोलते हैं। तो कार्बाइड टूल जो है वो कार्बाइड टूल के केस में जब हम कार्बाइड टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उस कार्बाइड टूल जो हम यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो आप कूलेंट यूज़ करते हैं उसको ठंडा करने जो के लिए जो कूलेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा कूलेंट यूज़ करते हैं। कार्बाइड टूल जो है होता है कभी वो डायमंड से भी ज़्यादा वो टफ, बहुत ही हार्ड होता है कार्बाइड टूल, तो बहुत ही हार्ड होता है आपका डायमंड से भी वो। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कार्बाइड टूल बहुत ही हार्ड होता है, और यहाँ पर कूलेंट जो यूज़ करते हैं कार्बाइड टूल को ग्राइंडिंग में, इन ग्राइंडिंग आइदर विद द सिलिकन कार्बाइड और डायमंड व्हील, सिलिकन कार्बाइड कार्बाइड है सिलिकन कार्बाइड या फिर डायमंड व्हील, तो उन दोनों ही केस में जो कूलेंट यूज़ करते हैं दैट यूज़ एक्सटेंसिवली कंसिस्ट ऑफ वाटर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल ऑयल, सॉल्युबल ऑयल यूज़ करते हैं। तो वाटर प्लस सॉल्युबल ऑयल यूज़ करते हैं, कभी कभी सोडा एस भी यूज़ करते हैं या साल सोडा भी यूज़ करते हैं। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको इस पर्टिकुलर केस में कि जब कभी भी आप कार्बाइड टूल यूज़ कर रहे हों या डायमंड टूल यूज़ कर रहे हों तो उस वक्त जो आपका कूलेंट यूज़ होगा वो आपका वाटर प्लस सॉल्युबल ऑयल यूज़ करेंगे, या फिर वाटर प्लस साल सॉल्ट सोडा यूज़ करेंगे, या वाटर प्लस सोडा एस यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। वन प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर रिकमेंड्स दैट द सिलिकन कार्बाइड व्हील अबाउट वन बाउंस ऑफ सोडा एस एज पर गैलन ऑफ वाटर, एक गैलन में वन बाउंस ऑफ सोडा एस यूज़ करते हैं फॉर डायमंड व्हील। एंड फॉर डायमंड व्हील के लिए कभी कभी हम लोग किरोसिन भी यूज़ करते हैं। तो ये सब कूलेंट हो गया जो जनरली हम यूज़ करते हैं। तो हम लोग देख चुके अभी कि कार्बाइड टूल के केस में हम लोग यूज़ करते हैं जनरली वो है सॉल्युबल ऑयल प्लस सोडा एस वाटर के साथ। सॉल्युबल ऑयल नेक्स्ट बात, एक बात और यहां पर डिस्कस कर लेना है हमको कि अगर ये बार टाइप जॉब को अटैच करना हो यहां हमको, तो यहां हमको कॉलेट रखना होगा। चक टाइप यूज करना हो तो चूंकि इसमें तो ओनली बार टाइप ही यूज होगा ना, कैपस्टन है तो ओनली बार टाइप ही यूज होगा, लेकिन अगर टरेट है तब क्या होगा, टरेट है तो दिस इज द टरेट। तो टरेट में बार टाइप यूज करते हैं, चक टाइप यूज करते हैं। अगर बार टाइप यूज करेंगे तो कॉलेट होगा, तो चक टाइप यूज होगा तो चक टाइप उसको बोलेंगे हम। लेकिन यदि कोई ऐसा वर्कपीस है जिसको ना बार चक में हम अटैच कर सकते हैं और ना ही बार टाइप कॉलेट में अटैच कर सकते हैं, तो वर्कपीस को कैसे रखेंगे। तो वर्कपीस को यहाँ रखने के लिए एक फेस प्लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फेस प्लेट। अब फेस प्लेट लगाने के बाद ये मतलब स्पेशल अरेंजमेंट लगाते हैं फेस प्लेट का, उस फेस प्लेट में हम लोग जो भी वर्क पीस है उसको क्लैंप कर देते हैं और फिर वहाँ पर मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। तो
इसमें इस यहाँ पर फेस प्लेट लगाते हैं, आपका जो चक है चक के आगे में फेस प्लेट लगाते हैं और फेस प्लेट में जो भी मेरा वर्क पीस है उसको अटैच कर देते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी अगर बार टाइप या चक टाइप वर्क पीस नहीं हो या कोई डिफरेंट शेप का हो तो उसको हम लोग फेस प्लेट लगाने के बाद उसमें अटैच करते हैं उस वर्क पीस को, ये जॉब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कह रहा है वर्क विच कैन नॉट बी चक्ड, वैसा वर्क पीस जिसको चक में अटैच नहीं कर सकते, जिसको अभी डिस्कस किए हम, वर्क विच कैन नॉट बी चक्ड बिकॉज इट्स शेप कैन बी माउंटेड ऑन द फॉलोइंग डिवाइस, उसका शेप की वजह से वो चक नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करना होगा, फॉर फेसिंग ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करना हो अगर उसको हम चक में अटैच ही नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, फेस प्लेट लगा करके चक में फेस प्लेट लगा करके तब जाकर के वर्क पीस को वहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि वर्क कैन नॉट बी चक्ड बिकॉज ऑफ इट्स शेप, अपने शेप की वजह से वो चक नहीं कर सकते, चक में अटैच नहीं कर सकते हैं, तो हम एक फेस प्लेट लगा कर उसको अटैच कर सकते हैं।